2024 के संग्राम में वार पलटवार का दौर जारी है। चौथे चरण से पहले यूपी के दो सबसे बड़े विपक्षी चेहरों मायावती और अखिलेश यादव में ठन गई है। दोनों नेताओं के बीच ट्विटर वॉर चल रहा है, बयानबाजी चल रही है और सियासत का केंद्र है आकाश आनंद और बीएसपी का दलित वोट बैंक। चौबीस के चक्रव्यूह में मायावती वर्सेस अखिलेश, आकाश का डिमोशन, अखिलेश का इमोशन। आकाश आनंद पर मायावती वर्सेस अखिलेश, कहा तो बीजेपी बंपर प्रचार में जुटी है, 13 को कन्नौज का नंबर भी आने वाला है, कहा विपक्ष आपस में ही लड़ाई लड़ रहा है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से पद क्या वापस लिया, सपा और कांग्रेस को तगड़ा दर्द होने लगा। पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए, फिर पूरी कहानी बताते हैं। मैं अपील करूंगा संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं, उन सब से मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें इस चुनाव में, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। आकाश आनंद को लेकर सपा बसपा में छिड़े वॉक युद्ध की शुरुआत अखिलेश यादव के एक ट्वीट के बाद हुई। फिर क्या था, मायावती ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। अखिलेश यादव ने लिखा था कि विफलता के चलते बीएसपी संगठन में बदलाव किया गया है, तो मायावती ने पलटवार करते हुए लिखा, घोर दलित विरोधी सपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीएसपी के परंपरागत समर्थक इंडिया के साथ हैं, तो मायावती ने जवाब दिया कि सपा केवल यादव परिवार की चिंता करे, बीएसपी की चिंता की उन्हें जरूरत नहीं। अखिलेश यादव ने लिखा कि तीन चरणों में बीएसपी की एक भी सीट नहीं आ रही और चौथे चरण में भी कोई उम्मीद नहीं, तो मायावती ने पलटवार करते हुए लिखा कि सपा का चाल चरित्र चेहरा जबरदस्त दलित विरोधी है। अखिलेश यादव ने लिखा कि बाजी बीएसपी के हाथ से निकल चुकी है, तो मायावती ने जवाब दिया कि प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी को माफ करना मुश्किल। अखिलेश यादव ने बीएसपी का नाम लिए बिना लिखा कि वोटर अपना वोट खराब न करें और इंडिया गठबंधन को वोट दें, तो मायावती ने पलटवार किया कि जातिवादी सोच के कारण सपा सरकार में जिलों विश्वविद्यालयों के नाम बदले गए। यानी जो लड़ाई आकाश आनंद के डिमोशन से शुरू हुई, सपा बसपा के बीच वो जंग जातिवाद, आरक्षण और यादव परिवार तक पहुंच गई। हालांकि अखिलेश यादव के अलावा उनके नेता भी बीएसपी पर वार कर चुके हैं। बहुजन समाज के कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद जी ने बीजेपी के ऊपर हमला किया, यह उनका हमला भाजपा के साथ साथ बसपा को भी नागवार लगा। और चूंकि बीएसपी का जो लोगों के अंदर परसेप्शन है, यही है कि बीएसपी पर्दे के पीछे से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। देखिए, ये किसी भी राजनीतिक दल का फैसला होता है कि किसको पदाधिकारी बनाना है या हटाना है, इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो लगातार भाजपा से सवाल पूछ रहे, तो वो सवाल भाजपा को चुभ रहे थे, उन आकाश आनंद को आदरणीय मायावती जी ने सभी पदों से मुक्त करने का काम किया। मायावती जी ने टिकट दिए, टिकट बदले, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाजपा और बसपा का आघोषित गठबंधन है, बसपा को माननीय काशीराम जी के बताए हुए रास्ते से भटक चुकी है, इसलिए जनता बहुत आस और उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। कुल मिलाकर ये लड़ाई अब अखिलेश यादव वर्सेज मायावती की बन चुकी है। अखिलेश यादव ने बीएसपी को छेड़कर जो गलती की, मायावती ने उसी का जवाब अपने अंदाज में देकर महफिल लूट ली। अब देखना होगा मायावती के इस हमले के बाद सपा की ओर से क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।